हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा टीम सीएलसी और हमारे साथ हैं रणवीर सर। जी सर, आज हम लोग सर कल हेलोजन डेरिवेटिव वन की बात की थी। जी जी, और आज हम लोग करेंगे हेलोजन डेरिवेटिव टू की बात। जी ठीक है, ये क्वेश्चन है CH3CH2Cl KNO2 के साथ। जी तो सर, इसका प्रोडक्ट क्या बनने की संभावना है? जी, यानी कि अपन बात करें कि NO2 को अगर अपन लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं कि O N डबल बॉन्ड O, यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव रहेगा, यानी कि आयनिक है कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, ये वही बात हो गई सर कि अगर अपन AgCN लेते हैं या फिर KCN लेते हैं, अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर अपन किसके साथ करवा दें, AgCN या फिर KCN के साथ करवा दें, तो AgCN जो होता है वो तो कोवेलेंट होता है और KCN जो होता है वो आयनिक होता है। इसका तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा और इसमें नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, इसका मतलब यहाँ पे तो जो बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, NC मिलेगा, यानी कि आइसोसाइनाइड मिलेगा, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, साइनाइड मिलेगा। यही वही बात होगी कि अगर अपने AgNO2 दिया हुआ है तो इसका तो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा और इसमें ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, तो ONO प्रोडक्ट मिल जाएगा सर। तो इसमें CH3CH2ONO। हाँ जी सर, ONO। सर इसमें थोड़ा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में कुछ बताएं। जी, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल ही है ये सर। अगर अपन बात करें जिसके पास दो डोनर एटम हो एक ही एटम के अंदर, और वो यानी कि या तो ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है या फिर नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी वही अटैक करेगा, तो आयनिक कंपाउंड में तो ऑक्सीजन अटैक करेगा। मतलब आप अगर जो CN की बात करें, जी जी, ये एविडेंट है। हाँ जी सर बिल्कुल, यानी कि कार्बन भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो CH3CH2Cl KCN के साथ CH3CH2CN, AgCN के साथ CH3CH2NC, KNO2 है तो CH3CH2ONO और AgNO2 है तो NO2 CH3, और इसी क्वेश्चन में AgNO2 दे रखा होता तो CH3CH2NO2 आता, फिर फर्स्ट आंसर आता। ठीक है ना, अब अपना आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। तो नेक्स्ट बात करें। जी जी, बहुत बढ़िया सवाल है सर। सेकंड क्वेश्चन, SNAR है। जी ये तो है जी, तो अपने SN1 पढ़ते हैं, जी SN2 पढ़ते हैं, जिसके क्वेश्चन पिछली बार किए थे, काम भी डिस्कस किया था। SNAR जी, ये सर डायरेक्टली अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो अगर अपन इससे पहले अपन थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि अपने न्यूक्लियोफिलिसिटी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें एलिफेटिक में, तो अपने देखा था कि RI दे रखा हो उसकी रिएक्टिविटी, RI RBR और RCl और RF दे दिया, उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर तो ये आया था सर लिविंग ग्रुप और जी जी जी, यानी कि लिविंग ग्रुप जो बेहतर होगा वही जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट करेगा। और अगर इसकी बात करें तो उल्टी हो जाएगी, यानी कि इसमें ये देखेंगे कि इंटरमीडिएट कार्बन आयन जितना मोर स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ये आपने क्वेश्चन लिख के क्वेश्चन की याद दिलाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। जी सर के कहने का मतलब है कि अगर जो बेंजीन से F जुड़ा हो, जी CN जुड़ा है, BR जुड़ा हुआ है, I जुड़ा हुआ है, तो यहां आप लिविंग ग्रुप मत देख लेना। जी यहां आपको क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, मतलब रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी ये। जी अच्छे लेवल का क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट। जी यानी कि अब लेकिन बच्चे इसी को हम ऐसे कर लेते। जी 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 जी, वो मैं ही भाई यही कर रहा था कि अगर बच्चे कहीं कह सकते हैं कैसे देखेंगे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, कैसे देखेंगे, अब अपने इसमें कार्बन आयन बनाएंगे। नहीं, इसमें सिंपल सिंपल जी, यहाँ तो होता ऑर्डर ऐसे हो जाता जी, यहाँ पे सिंपल होता, यानी कि ये हाँ, बेंजीन नहीं होती, ये बेंजीन नहीं होती। जी 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 जी, अब इसकी बात जो इसमें है तो इसमें सिंपल हम क्या देखेंगे, कार्बन आयन, कार्बन आयन की कुल मिला के SNAR किसको देखना है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। जी अपना मेन मूल क्वेश्चन क्या है, ये है। अब सर उसमें क्या है, माइनस वाले जितने ज्यादा होंगे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगा, तो तीन माइनस है। जी तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इसी का रहेगा, यानी कि डी का सबसे ज्यादा रहेगा, फिर सी का रहेगा, दो माइनस, जी एक माइनस है एक माइनस आई, और यहाँ पे माइनस एम है और यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, उल्टी गंगा बह जाएगी, यानी कि उल्टा ऑर्डर आ जाएगा इसका, डी सी बी ए। जी मतलब SNAR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। जी जी जी, और ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने बेंजीन लिखा चार FClBri, उसमें भी क्या हो गया, FClBri। जी अब इसमें कार्बन आयन की स्टेबिलिटी अपन चेक कैसे करेंगे, यानी कि अपने को ये दे रखा है, इस पे एक बार मैकेनिज्म इसकी लिखिए। जी
अब मान लो अपने को क्या दे रखा है, कोई भी एल्काइल हैलाइड दे रखा था, अपने एक्स लगा लेते हैं सर जी यहाँ पे। अब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर क्या करता है, फर्स्ट स्टेप में अटैक करता है। अब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अपन डायरेक्ट तो इसको भगा नहीं सकते, भगा तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ रहे हैं, तो जैसे ही इसने इसके ऊपर अटैक किया ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर आ गई, तो यहाँ पे अपने को जो मिला वो इसके ऊपर कार्बेनाइन, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब ये कार्बेनाइन जितना मोर स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। अब यहाँ पे एक्स देखेंगे कि एक्स वाला माइनस आई वाला जितना ज्यादा होगा इसका वाला उसकी स्टेबिलिटी ये नेगेटिव चार्ज उतना ही कम होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा मिलेगी, तो इसीलिए एफ वाले की क्या रहेगी ज्यादा, वो लिविंग ग्रुप के बेस पे नहीं देखेंगे अब इसमें, अब इसमें माइनस आई माइनस आई देखेंगे, माइनस आई माइनस आई। जी 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 ठीक, तो अपने आंसर इसका कर लिया, क्या था जी इसका डी सी बी ए, यानी कि फर्स्ट आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बेहतरीन बहुत बढ़िया सवाल। अब यहाँ वन मोल दे रखा आप जी, मतलब पेपर वाले पूरा ध्यान रखा है कि आप आगे किसी पे दिमाग ना ले जाए, तो माइनस इसमें भी वही होगा जी। अब कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को कौन इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा अब एक पे, तो अब इस सीएल के अकॉर्डिंग तो माइनस एम लगेगा, इस सीएल के अकॉर्डिंग क्या होगा माइनस आई हो जाएगा, तो माइनस एम इज मोर इफेक्टिव देन माइनस आई, तो इसलिए ये सीएल रिप्लेस करेंगे जी और क्या लगा देंगे ओएच लगा देंगे, मतलब आंसर अपना हो जाएगा फर्स्ट जी। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हैं, केएसएच ले सकते हैं, कुछ भी सीएच3ओएनओ ले सकते हैं, सीएन कुछ भी हो सकता है। एक हाइड्रोकार्बन, ए हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H18 गिव्स वन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, यानी द हाइड्रोकार्बन इज, तो हम सर ऑप्शन में क्यों नहीं चले जाएंगे इसमें, सर ये देखेंगे कि सबसे एक ही टाइप के हाइड्रोजन परसेंट होने चाहिए तभी, तो इसको ऑप्शन से n ऑब्टेन है जी हाँ, ऑप्शन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां तो दो टाइप के हो गए, इधर भी हो गया जी जी जी, बहुत टाइप के हो गए, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मिल जाएगा। 2-methyl-heptane लिखिए, 2-methyl-heptane की अगर अपन बात करें तो अपने क्या लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 2-methyl, इसमें बहुत सारे बन जाएंगे सर, ये भी काम कर नहीं रहा आपने जी, 2 2 4 इसमें भी हो जाएंगे, इसका लिखिए, इसकी अगर अपन बात करें तो अपने क्या लगा देंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब क्या हो गया ये, और यहाँ पे 2 2 जैसा ये है वैसा ये है, सारे के सारे 1 डिग्री है वैसा ये है वैसा ये, सारे के सारे 1 डिग्री हाइड्रोजन है, इसका मतलब 18 के 18 सारे के सारे इक्वल है, एनवायरमेंट सेम है, यहाँ ऐसे हटा के आप सीएल लगाओ वही चीज है, यहाँ ऐसे हटा के सीएल लगाओ, यहाँ ऐसे हटा के सीएल, ये बात सेम वही 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 रहेगा, तो आंसर कौन सा हुआ अपना, फोर्थ आंसर, फोर्थ आंसर जी। नेक्स्ट सिंपल जी, एल्कोहलिक ओएच क्या करेगा जी, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, एचबीआर निकालेगा जी जी, एल्कोहलिक ओएच वहां से निकालेंगे जहां पे क्राउडिंग ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, स्टेबल बन जाए जी जी, स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाए, अगर बीआर यहां से निकाले तो एच यहां से निकालेंगे कि यहां से, वहां से निकालेंगे जहां पे ये, यहां से एक फायदा और हो जाएगा सर, यहां से निकल जाता है तो इसका मतलब पाई सिग्मा पाई कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा, रेजोनेंस भी हो गया जी, इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा अपने को, तो अपना हो जाएगा आंसर फर्स्ट, फर्स्ट जी ठीक है, यानी कि एल्कोहलिक केवेज के साथ डी हाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं तो सेजेफ एल्कीन मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलती है, बिल्कुल। एलआईएलएच4 जी, एलआईएलएच4 एनएबीएच4 की एक हम बात कर लेते हैं थोड़ी जी, एलआईएलएच4 और एनएबीएच4 जी, ये इसका ये तो पहले आप इसका आंसर बता देते हैं कौन सी रिएक्शन होगी, अगर ये अगर अपन बात करें तो यहां से क्या निकलेगा, H नेगेटिव स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, अटैक कर देगा, कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 जी, तो आंसर हो गया ये सेकंड। अब यहां एक बात हम कर लेते हैं थोड़ी सी, बेटा ध्यान सुनना, NaBH4 है, LiLH4 है, LiLH4 NaBH4 में NaBH4 वीक रिडिस्ट्रीब्यूटेड है, NaBH4 किसका किसका रिएजेंट रिडक्शन करता है, जनरली बात कर लेना, हम एल्डिहाइड से बात शुरू करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन हैलाइड सबकी बात कर रहे हैं, तो NaBH4 हैलाइड का रिडक्शन करेगा जी, क्या कर लेगा आर एल्केन में, NaBH4 की बात कर जी, आर COCN आर CH2OH जी, कीटोन है एल्डिहाइड को और कीटोन को, लेकिन लेकिन आर सी एच डबल बॉन्ड NH जी, इमीन इमीन को चेंज कर देगा ये, NTA ने इस पर काम शुरू कर दिया बेटा जी, तो ये आ सकता है इसमें, किसमें चेंज करेगा, आर सी एच टू NH2 में, तो वन हुआ जी, टू हुआ,
थ्री हुआ फोर, और एक और करता है, एक और करता है ये एल्डिहाइड कीटोन एसिड क्लोराइड एल्किलाइड हो गया, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का करेगा, मतलब एक दो तीन चार इमीन जी, ठीक है ना जी जी, तो इसका NaBH4 रिडक्शन कर लेगा, इमीन का कर ही दिया जी, एसिड क्लोराइड हो गया, एल्डिहाइड कीटोन हो गया, एल्किलाइड हो गया जी, ठीक है जी जी। तो इसकी बात हम करें, ठीक है, तो ये पांच का करता है बेटा, ठीक है, किस किस का, एल्डिहाइड वन जी, कीटोन सेकंड जी, एल्काइलाइड थर्ड, एसिड क्लोराइड फोर, और इमीन फाइव, पांच का NaBH4 करेगा, और एलाइल साइनाइड का ही नहीं करेगा, नहीं करेगा, RCNH2 का नहीं करेगा, नहीं करेगा, और एस्टर एनहाइड्राइड एसिड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का करेगा, जल्दी करता है, ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की थोड़ा सा और बता दो सर, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस, एल्डिहाइड कीटोन अपने सीधे लिख दिए, एल्डिहाइड कीटोन है जी, तो इसको OH में चेंज कर दिया, एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज कर देगा, अगर कीटोन है तो RNO2 है, देखिए RNO2 के साथ लफड़ा है, अब एक बात सीधा डायरेक्ट अगर अपन बोल दें कि N कंटेनिंग कंपाउंड जितने भी हैं वो सब को रिड्यूस कर देगा, जैसे RCN है, RCH2NH2, आइसोसाइनाइड हो गया, कुछ भी हो गया, और नाइट्रो का कोई भी कंपाउंड आ गया, यहाँ एक बात थोड़ी सी आ जाती है जी जी जी, अगर सिंपल हम CH3NO2 लेते हैं जी और LiLH4 है जी 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 जी, तब तो CH3NH2 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एरोमेटिक वाले को नहीं करेगा, अगर ये नाइट्रो बेंजीन की होती तो उसको रिड्यूस करेगा, ये करेगा लेकिन किसी और में करेगा, एजो कंपाउंड में, एजो में चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड बेंजीन, और ये नाइट्रो का तो नाइट्रो बेंजीन का रिएक्शन तो बहुत तरीकों से होता है, तो उसकी हम बात एन कंटेनिंग में करेंगे जी जी जी, कि एसिड बेस है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन है, उसकी बात अभी तो हम लोग सिंपल LiLH4, तो एक रूपरेखा LiLH4 जी, आप सर साथ देना थोड़ा, एल्डिहाइड LiLH4 भी करेगा, NaBH4 दोनों ही करेंगे, कीटोन दोनों करेंगे, एसिड दोनों करेंगे, लेकिन एसिड हैलाइड का सिर्फ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही करेगा अगर अपन बात करें तो, हाँ मतलब यानी कि इसकी बात, इसकी अगर अपन बात कर रहे हैं CWH को सिर्फ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं करेगा, हाँ क्रॉस कर दीजिए इसको, NaBH4 NaBH4 नहीं करेगा इसका, एस्टर एस्टर को सिर्फ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करेगा, वो नहीं करेगा, NaBH4 नहीं करेगा, बिल्कुल सही जी जी, रिदम बन रहा है, अगला एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड की अगर अपन बात करें तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करेगा, NaBH4 NaBH4 नहीं करेगा जी, नाइट्रोबेंजीन LiLH4 कर रहा है जी जी जी, सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं करेगा, नहीं करेगा जी, साइनाइड साइनाइड का ये करेगा और सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं करेगा, इमीन दोनों करेंगे, दोनों करेंगे, सुन रहे बच्चों, तो और क्या बचा, और अगर अपन बात करें डबल ट्रिपल बॉन्ड आपने बनाया, ट्रिपल बॉन्ड की अगर अपन बात करें तो दोनों ही नहीं करेंगे, लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक कंडीशन पे करता है, सिनेमिक एसिड, वो कंडीशन है, सिनेमिक वाला कोई सिस्टम आ जाए, यानी कि बेंजीन रिंग के साथ डबल बॉन्ड कॉन्फिगरेशन LiLH4 इसको तो टच कर ही नहीं सकता सर, मतलब इसका आंसर यही आएगा, यानी कि CH2 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 OH OH जी जी जी, ठीक है जी, चले सर आगे, हाँ जी सर, और कुछ इसमें और कुछ बता सकते हैं अपने, हो गया काफी तरह बात हो गई, नेक्स्ट HBr peroxide कौन सा इफेक्ट है सर, ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के कोनिक खरास इफेक्ट जी जी, मतलब Br डबल बॉन्ड के क्रॉस वहां लगाएंगे, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा ज्यादा होगी जी, मतलब अपना ये हो गया काम, यानी कि Br वहां लगाएंगे जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, ठीक जी, अब आगे सर KSH एसीटोन है, कौन सी रिएक्शन होगी ये, SN2 रिएक्शन होगी सर, बिल्कुल, तो जैसे NaI एसीटोन लेते हैं यूज करते हैं वही वाली, बिल्कुल, यानी कि उसमें तो अपन नाम दे देते हैं फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, और यहां पे कौन सी हो गई SH दे दिया तो SH आ जाएगा सर, ठीक है जी जी, SN2 रिएक्शन हो गई ये अपना आंसर मिल जाएगा, सेकंड हो गया जी, उसमें उन्होंने आंसर बता दिया था LH, हां हो गया तो ठीक है जी जी, नेक्स्ट बेहतरीन, बहुत बढ़िया सवाल है सर, अच्छा एक चीज सर जी जी, अभी आपने कहा जब वो मैकेनिज्म आपने लिखी थी बेंजीन से सीएल डायरेक्ट अटैच है तो उसको निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते सर, हाँ लेकिन बेंजीन सीएल है NaOH हाई टेम्परेचर प्रेशर पे,
या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगाने पे वहां पे OH डाउस प्रोसेस जी जी डाउ प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहां बेंजीन है सिंपल। अब यहां से अच्छा होगा कि यहां से उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है बिल्कुल। तो यहां से निकाला हमने जी और इस पर सीधे लगा दिया सी ओ और बेंजीन और यहां क्या आएगा सी। मतलब अपना आंसर क्या हो रहा है? आंसर सर ये हो गया कौन सा ये वाला बिल्कुल जी ठीक है। इसको डायरेक्ट नहीं हटा पाएंगे सर यानी कि सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करैक्टर आ रहे हैं ये रिएक्शन देने से मना कर देता है जी। मतलब कहने का मतलब ये तो खुद ही सर रिडल क्राफ्ट रिएक्शन शो करता है सिंपल। अगर जो क्लोरो बेंजीन है जी 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 और NaOH के साथ तो रिएक्शन नहीं होगी नहीं लेकिन हाई टेंपरेचर और हाई प्रेशर पे डाउ प्रोसेस हो जाएगा। डाउ प्रोसेस नाम याद रखना अल्कोहल प्रोसेस ने कहा कि डाउ प्रोसेस ये देखिए पीएमटी की ये इतनी तक लिमिटेशन है कि हाई टेंपरेचर प्रेशर लिख दे और पूछ ले कि रिएक्शन का नाम क्या है तो डाउ प्रोसेस जी 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है फिनोल का या इस पे डीएक्टिवेटिंग यहां NO2 लगा देंगे तो लो टेंपरेचर और लो प्रेशर पे काम जो हमने पहले क्वेश्चन से बात करी थी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पहला दूसरा क्वेश्चन जी ठीक है। रिएक्शन दे रखा है सर बहुत हां जी जी और दोनों रिएक्शन दे रखे हैं बहुत बढ़िया और इसमें पूछ रहा है अपने से केवल रेट कांस्टेंट ऑफ द एवर रिएक्शन जी जी करेक्ट रिलेशन इज जी K1 इक्वल टू K2 होगा सर नहीं हो सकता सर क्योंकि सर ये SN2 रिएक्शन है ये स्ट्रॉन्ग बेस है ये इसके ऊपर अटैक करेगा इसको भगा देगा तो जहां ये काम OH जल्दी वही अटैक करेगा जहां क्राउडिंग कम होगी तो साफ दिख रहा है क्राउडिंग कहां कम है यहां पे कम है यहां ज्यादा हो गई सर मतलब K1 ग्रेटर है K1 की ज्यादा होगी K2 से मतलब SN2 रिएक्शन सीधे क्राउडिंग जहां स्टेरिक इंडेंस कम होगा वहां रिएक्शन होगी अच्छी डबल देख के धोखा मत आना यहाँ क्या आ गया डबल सिंगल डबल प्लस चार्ज 4π और ये एंटी एरोमेटिक हो गया इसलिए ये तो लीस्ट स्टेबल और ये नॉन ये रिएक्शन करने से मना भी कर सकता है सर बिल्कुल क्योंकि मतलब, ये कहेगा कि एंटी हो रहा है तो नहीं होगी तो इसका मतलब ये 6π इलेक्ट्रॉन हो गया 6π इलेक्ट्रॉन होते ही ये एरोमेटिक बन रहा है इसका मतलब तो हम इसमें हां ठीक ठीक बहुत सही। मतलब आपने कई बार ऐसा रिंग वाली दे रखा है तो एरोमेटिक सबसे अच्छी दीजिए फिर नॉन एरोमेटिक फिर एंटी एरोमेटिक सर आंसर क्या हो जाएगा इसका सर आंसर हो जाएगा 3, 1, 2 मतलब 3, 2, 3, 1, 2 हाँ 3, 1, 2 कहाँ बस ये हो गया 3, 1, 2 जी जी ठीक है यानी कि SN1 में वही देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन देखो ठीक है रीरेंजमेंट देख लो अगर प्रोडक्ट अपने से पूछा जा रहा है तो नहीं तो डायरेक्ट अपन देखेंगे कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ठीक है उसी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन देख लेंगे ठीक जी जी। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट सवाल अपने को दे रखा है बहुत बढ़िया सवाल है सर इसके रेसमाइजेशन की बात पिछले लेक्चर में भी करी थी हम लोगों ने सिंपल कायरल है तो रेसमिक जी तब तक आपने कहा था कि सर अगर अधिक पूछा जाए तो क्या तो अधिक पूछा जाए तो कायरल तो होना ही चाहिए लेकिन स्टेबिलिटी अधिक हो तो इसमें हम लोग देखो ये तो होगा बिल्कुल होगा जी ये भी रेसमाइजेशन देगा ये भी देगा। अब हमें तो चारों दे रहे हैं रेसमिक मिक्सर लेकिन अब कौन अधिक होगा कौन किसमें अधिकतम रेसमीकरण होगा जिसमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा अधिक हो इस पे तो अपने बात उतनी ना करें इसमें सिंपल इसमें एक ही डिग्री कार्बोकेटायन है 3 डिग्री है ये भी 3 डिग्री है ये भी 3 डिग्री प्लस एच प्लस एम और यहाँ तो क्या है माइनस एम माइनस एम माइनस आई इसका मतलब ये तो गई भैंस कादे में मतलब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी प्लस प्लस वाले इंक्रीज करेंगे प्लस एच वाले डिक्रीज करेंगे तो क्वेश्चन देख लो जी देखिए बेटा अब देखो प्लस एम इंक्रीज कर रहा है प्लस एच तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी यहाँ सबसे ज्यादा होगी इन तीनों में अगर अपन बात करें तो सर ये एक रिंग के साथ कंजुगेशन कर रहा था ये डबल बॉन्ड के साथ मात्र कंजुगेशन कर रहा था तो माइनस है तीन रिंग के साथ कंजुगेशन कर रहा है मतलब आप ऑर्डर की बात कर रहे हैं जी 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 ऑर्डर अपने लिखते हैं तो सबसे अधिक थर्ड हो गया जी 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 थर्ड के बाद हम सबसे ज्यादा फर्स्ट में है देख लो कंजुगेशन सबसे ज्यादा किसमें है उसी के अकॉर्डिंग इसमें माइनस एम माइनस आई लग गया जी तो थर्ड थर्ड के बाद थर्ड के बाद में अगर अपन बात करें तो फर्स्ट
क्योंकि एक रिंग है उसमें तो माइनस है, फर्स्ट के बाद अपने सेकंड पे आए, जी 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 हां लीस्ट स्टेबल हो गया इसका मतलब ये, क्योंकि माइनस है माइनस आई लग गया ना, एम और माइनस आई वाले क्या कर देंगे रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देंगे अपने से। इसमें तो ऐसे क्वेश्चन सबसे अधिकतम पूछा इसलिए क्योंकि रफड़ा ना हो, ठीक है। तो सबसे अधिक हो गया थर्ड, जी जी जी। नेक्स्ट बात, ये बहुत बढ़िया सवाल है ये। अच्छा एक चीज सर जी, सिंपल CH3CH डबल बॉन्ड CH2 आता है जी, और यहाँ आपने देता है Br2HNu या यूवी लाइट दे दे या Cl2 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दे, तो हम एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में किसको प्रेफर देंगे? अगर अपनी बात करें लाइट दे रखी है तो अल्फा पे हैलोजन को रिमूव करके सॉरी हाइड्रोजन को रिमूव करके हैलोजन ऐड कर देंगे। एक सर ने एक वर्ड बोला बहुत उस पे थोड़ी सी लाइट दे रखी हो तो जी, लाइट दे रखी हो मतलब सर का इशारा है जैसे लाइट आए यूवी लाइट आए टॉर्च दिखा फ्री रेडिकल दिख गया जी, फ्री रेडिकल दिख गया जी जी जी, और फ्री रेडिकल यहां बनाया बीएमपी का क्वेश्चन है, और एक बार फ्री रेडिकल यहां बनाया ये फ्री रेडिकल अधिक स्टेबल जी, ये स्टेबल है क्योंकि ड्यू टू कंजुगेशन। हां तो तभी तो आप डायरेक्ट कह पा रहे हैं कि अगर जो फ्री Br2HNu हो Cl2 800 है तो डबल बॉन्ड या बेंजीन के ठीक बगल से H हटा के Br लगा देंगे, दिया लगा देंगे, सीएल दिया तो सीएल लगा, सीएल लगा देंगे। तो यहाँ क्वेश्चन ये एनसीईआरटी से उठाया क्वेश्चन है, यहाँ बेंजीन सीधे यहाँ पे NO2 जी और CH अल्फा पे दिया लगा देंगे और यहाँ CH जी जी जी। अब ये एनसीईआरटी ये थोड़ा सा फर्क कैसा है, अगर अपने को लाइट दे रखी थी तब तो अपने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई है, अगर यहाँ पे कुछ और दिया होता FeBr3 दिया होता या सीधा ही Fe दिया होता सब्स्टिट्यूशन कराते तब सब्स्टिट्यूशन करवाते, ये बहुत बेहतरीन चीज है। मतलब एक हल्की सी बात इस पर ठीक है, आपने सही याद दिला दिया जी जी। अगर बेंजीन है यहाँ CH2 CH3 है जी, और दो रिएक्शन हमने लिखी जी, एक Br2 FeBr3 लिख दिया जी और एक Br2HNu लिख दिया जी, तो इसमें तो हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन जी, ऑर्थो और पैरा वाला प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को इथाइल, यहाँ पे क्या जाएगा Br और एक अपने को कौन सा मिल जाएगा यहाँ पे इथाइल और ऑर्थो और पैरा, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा सर कौन सा मिलेगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला बेंजीन के ठीक बगल से हटा के जी, क्योंकि जो रेडिकल मिलेगा और रेडिकल जो मोर स्टेबल होगा उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो ठीक अपने आते हैं मेन मूल पे जी, यहां बन गया आपका बेंजीन जी CH Br CH3 और NO2 जी, एल्कोहलिक KOH एल्कोहलिक KOH डी हाइड्रोहैलोजिनेशन कर देगा सर सीधे HBr निकाल दे जी NO2 जी, अब FeBr2 डबल बॉन्ड है ऑर्थो पैरा, लेकिन पैरा तो क्या है ब्लॉक है, ब्लॉक है ऑर्थो बच गई एक, ऑर्थो बच गई तो वहीं कहां ले जाएंगे इसलिए यहां पे क्या लगा देंगे Br, तो कहां गया आंसर थर्ड जी। ठीक है बेटा, देखिए हम लोग क्वेश्चन तो साथ में है, अगल की अब बगल की बात कर रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिए जी जी, बेहतरीन बहुत बढ़िया सवाल। SN2 है उस दिन भी DMF DMSO एसीटोन THF लिखा गया था, ऐसी चीजें आए तुरंत दिमाग में SN2 का मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर मतलब Br को किसमें चेंज करते हैं अपने ऊपर साइड में, यानी कि OPH ऊपर लगाया जी और OPH लगा दिया, आंसर कौन सा होगा सर बेहतरीन? नहीं 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 सर गोला नहीं है उसमें, गोला बन जाते अभी अपन, इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा फोर्थ। ये उस लेवल की बात हो गई, यहाँ नॉलेज नहीं मैटर कंसंट्रेशन मैटर करता है जी, लगाने का आदमी जल्दी से देख के लगा देता जी, और दोनों ऑप्शन सामने हैं आपके जी जी, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा जी। इन बात को अच्छे बच्चे जिनको लगे पेपर दिखा और 45 के 45 उनको क्वेश्चन आ रहे हैं वो जल्दीबाजी में गलत करते हैं ठीक जी सर, तो अगर ये ऊपर होता तो इसको कर देते नीचे कर देते हैं, यानी कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड से अटैक करता है SN2 में, वोल्टर रिवर्सल बनता है कंप्लीट। ये भी वैसे ही सवाल है सर SN2 का ठीक, देख सकते हैं NaCN दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब ये भाई नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा ये Cl रिमूव हो जाएगा CN आ जाएगा, मतलब बिल्कुल आसान सा सवाल था सर ठीक है जी। नेक्स्ट करें जी, बहुत बढ़िया सवाल है सर बहुत बेहतर, अब इसको अपने अटैक करना है जी, अब क्रिया विचार कीजिए जी ठीक है ना जी। इन द गिवन रिएक्शन वाई मे बी व्हेन रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी मोर जी, मतलब यहाँ पे वाई के बारे में
वही यहाँ पे हम लोगों को देखना है एक्टिवेटिंग ग्रुप, यही तो देखना है जी। तो इसके सर थोड़ा प्रकाश डालिए इस पे। अगर अपन बात करें तो सर यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, मान लो ऑक्सीजन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये कार्बोक्टाइन वो स्टेबल हो गया, ये जाना नहीं चाहेगा उधर। और अगर अपन नाइट्रोजन लगा देंगे वो भी बैकबॉन्डिंग कर लेगा, कह रहे मैं तेरे को जब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो तू क्यों जा रहा है उधर। बिल्कुल। और इसकी अगर अपन बात करें तो सल्फर देती तो सल्फर के पास भी लोन पेयर है, वो भी यही कहेगा कि मैं तुझे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन धन प्रोवाइड करवा रहा हूँ तू मत जा, ठीक है। और इसकी बात करें CH2 दे रखा है तो ये इसको धन प्रोवाइड नहीं करवा रहा, वो कह रहा है कि हाइपर कंजुगेशन करवा रहा हूं, अगर तेरे को टिकना है तो टिक जा, नहीं टिकना चाहता तो जा जा। तो इसका मतलब वो जल्दी चला जाता है, जल्दी चला जाता, मतलब आंसर अपना हो जाएगा यानी कि CH2 होगा तो ये उसको रोकने का प्रयास नहीं करेगा, तो इसका मतलब CH2 जल्दी उसके साथ रिएक्शन कर लेगा जी जी। मतलब उपरोक्त प्रक्रिया वाई कौन सा समूह रखे कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन की दर अधिकतम हो, मतलब CH2 जी 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 ठीक, यानी कि इसके कारण ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा सर। ये वही वाली बात पूछ रहा है कि कौन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे कौन सा ऐसा ग्रुप आ जाए जिसके कारण जल्दी से वो उसके साथ चिपक जाए, तो वही चिपकाएगा यानी कि जो उसको कार्बोक्टाइन की स्टेबिलिटी को कम करेगा। कम का मतलब जो कम होगा इनमें से। जी जी। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है बेंजीन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर रेडली देन एडिशन, बिल्कुल सही जी। एडिशन की तो सर बेंजीन की बहुत कम देखने को मिलती जी, है जी। जैसे 3Cl2H2 है जिसमें 666 बनता है जी, ओजोनोलिसिस कर लेते हैं अपने तो कर लेते हैं H2 निकल के साथ ही हो जाता है जी। लेकिन बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है जी जी। तो बेंजीन, ये बात हो गई सर कि अगर अपने बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा देते हैं तो एक साइड में तो अपने इलेक्ट्रोफाइल और एक साइड में अपने न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाएंगे तो वो एरोमेटिक सिटी ब्रेक हो जाएगी। और यहाँ पे कहीं भी लगा दिया सर, यहाँ पे अपने एक जगह पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और एक जगह पर इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, इसका मतलब एरोमेटिक सिटी ब्रेक हो गई। कोई अपने से कम स्टेबल में क्यों जाएगा, हाँ मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में, यानी कि वही बात हो गई कि कोई बच्चा 11th में पढ़ रहा है और वो कह रहा है कि 10th दोबारा कर ले, हाँ तो नहीं मना करेगा, मना करेगा हाँ अपने से अधिक स्टेबल बन रहा हो तो अच्छी बात। हाँ तो बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर होगी एडिशन से, बिल्कुल सही जी। और एल्कीन गिव्स एडिशन मोर रेडली देन सब्स्टिट्यूशन, ये भी बात सही है, एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। इन बेंजाइन मैग्नीशियम रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ कार्बन, गलत बात, कार्बेनाइन बनता है। टर्शियरी अल्कोहल ऑलवेज गिव्स, ऐसी बात सही नहीं, ये तो गलत हो गई, गलत हो गई। तो आंसर अपना क्या हो गया, ए और बी जी करेक्ट हो गया जी, ठीक है जी। अब हैलोजन डेरिवेटिव में कोई चीज छूट रही है जी, एक तो अपने छूट रहे फ्रियोन जी, तो फ्रियोन का नाम लिखने के लिए फ्रियोन CBA जी, उसके लिए अपन देख लेंगे कि कार्बन तो -1 होता है, हाँ जैसे CF2 जी Cl2 है जी, तो फ्रियोन इसका नाम लिखते समय फ्रियोन जी XYZ कर देते हैं जी, XYZ करते हैं। X क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, माइनस जी वन। Y क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 प्लस। जेड क्या है, नंबर ऑफ फ्लोरीन, नंबर ऑफ, बिल्कुल सही, नंबर ऑफ फ्लोरीन, कितने भी हैं वो आ जाएंगे सारे के सारे। अब एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का उसकी बात कर लेते हैं जी। फ्रियोन लिखा बेटा जी, कार्बन एक है, एक में से एक घटाया क्या गया, जीरो जी। हाइड्रोजन है नहीं, जीरो तो एक आ जाएगा वन। फ्लोरीन कितना है, दो, तो ठीक है जी। एक बात ये, दूसरी बात क्लोरीटोन जी, हाँ क्लोरीटोन, एसीटोन की CHCl3 के साथ रिएक्शन, निद्रा कार्य, किसी को अपने बस में करना हो यही दवा का प्रयोग किया जाता है, तो H+CCl3- और सेडेटिव हो गया ये, मतलब हाँ खाओ और नींद अच्छी पाओ, पाओ CCl3, इसको क्लोरीटोन बोलते हैं। इसलिए कि एक बार क्वेश्चन आया कि क्लोरीटोन दिया है, क्लोरोपिक्रिन दिया है, DDT दिया है, तो उसमें किसमें CL अधिक है ऐसा पूछा है, तो ये हो गया क्लोरीटोन। निद्रा कारक है, लिख लीजिए वहां पे जी। एक बात और कर लेते हैं, टीयर गैस जी क्या होता है, CCl3NO2, यानी कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवा दो, HNO3 के साथ जी, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा CCl3NO2, बिल्कुल टीयर गैस हो गई है, टीयर गैस, आंसू गैस बोलते हैं इसको, क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रीन बोला जाता है जी। तो जो जो चीज छूटी अपनों ने उसको बात कर ली जी। अब अपने नेक्स्ट अल्कोहल फिनोल ईथर की बात करेंगे सर। तो आज बेटा आपको हैलोजन डेरिवेटिव SN1 SN2 SNAR इसमें है, E1 E2 नॉर्मल जो बात करी, E1 CB F वाली जो बात करी गई जी, और एक बल्की ग्रुप की बात करी जी, ठीक है।
तो उसके बाद हम बात करेंगे एल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें जो चीज एल्कोहल वाली बातें हैं उसको फिर हम लोग दोबारा रिपीट करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट बात हम करेंगे एल्कोहल फिनॉल ईथर की। जय सीएलसी, थैंक यू। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।